ओके दोस्तों, आज से पहले कभी भी आपको ऐसा एडिटिंग नहीं बताया होगा कोई भी, आपको पूरे यूट्यूब पर आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी हाई क्वालिटी हम लोग आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं फेस स्मूथ। इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देख ले तो 110% आप लोग इस तरह का एडिटिंग कर पाएंगे। देख सकते हैं आप लोग, आज से पहले कोई भी आपको नहीं बताया होगा ऐसा एडिटिंग। मैं आपको पूरा फुल बताने वाला हूँ कैसे आप लोग बैकग्राउंड को करेंगे एंड कैसे आप लोग फेस को हाई क्वालिटी फेस स्मूथ करेंगे कुछ इस तरह से। सैड फोटो है, देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरह से आप लोग एडिटिंग कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आ चुके अपने ओरिजिनल फोटो पे, तो हम इसको शेयर कर लेंगे सबसे पहले अपने ऑटोडेस्क मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए हम कर लेते हैं, आप लोग भी कर लीजिएगा। ओके दोस्तों लोग, हम लोग आ चुके अपने ऑटोडेस्क मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो कलर के बगल में एक एरो का निशान जो आपको दिखाई दे रहा है जहाँ से MD लेयर बन रहा है उस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। एंड आप लोग ये जो प्लस वाला आइकन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके एंड ये प्यारा सा जो MD लेयर आप लोग बनाए हैं उस पर क्लिक कर लीजिएगा। एंड नॉर्मल पे क्लिक करके यहाँ से आप लोग सॉफ्ट लाइट आप लोग कर लीजिएगा। एंड इतना हो जाने के बाद सिंपल से आप लोग कलर्स पे जा करके कुछ इस तरह से आप लोग ये वाला कलर रख लीजिएगा, पीला वाला। एंड इसको रख के आप लोग इस पे आ जाइएगा मीडियम ब्रश पे। आप लोग इसका साइज तो देख सकते हैं, आप लोग इतना रख लीजिएगा। एंड सेटिंग को देख लीजिए एंड इतना रख लेने का कुछ इस तरह से जूम करके आप लोग अपने फेस पे अप्लाई कीजिएगा। जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरह से आप लोग फेस पे अप्लाई कीजिएगा। देख सकते हैं आप लोग कैसे मैं कर रहा हूँ अच्छे से, इस तरह से आप लोग फेस पे अप्लाई कीजिएगा। आप लोग का फेस जो है ना एक नंबर एडिटिंग होगा, ऐसा एडिटिंग आपको कोई नहीं बताएगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा तभी आप लोग एडिटिंग सीख पाएंगे हाई क्वालिटी फेस स्मूथ। देख सकते हैं आप लोग कैसे मैं कर रहा हूँ, इस तरह से आप लोग अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं ताकि जल्दी हो जाए। ओके दोस्तों, हम लोगों का हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। इतना हो जाने के बाद सिंपल से आप लोग इस पहले पे आइएगा एंड जो एक MD लेयर बनाया है प्यारा सा उस पर क्लिक कर लीजिएगा। एंड इसको आप लोग कम कर लीजिएगा, इतना रख लीजिएगा एंड इतना रख लीजिएगा। एंड ऊपर जो आपको एक दिखाई दे रहा होगा HSL एडजस्टम लिखाई दिया दे रहा होगा दिखाई आपको HSL, आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ताला के बगल में, उस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। एंड इसको आप लोग इतना बढ़ा दीजिएगा एंड इसको आप लोग 100 कर दीजिएगा। एंड कुछ इस तरह से ये वाला आप लोग कहाँ रखिएगा पता है, इतना पे रख लीजिएगा। एंड इसको हल्का ये इतना कर दीजिएगा एंड इतना कर लेने के बाद यहाँ से डन कर दीजिएगा। इतना हो जाने के बाद सिंपल से आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, इसको आप लोग शेयर कर लीजिएगा कहाँ पता है, स्नैपशीट के अंदर। तो चलिए हम कर लेते हैं। ओके दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं स्नैपशीट में। तो नीचे जो आपको टूल्स दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर लीजिएगा एंड इतना कर लेने का डिटेल्स पे क्लिक करके इसको आप लोग बढ़ा दीजिएगा, इतना कर दीजिएगा एंड इसको इतना कर लीजिएगा। यहाँ से राइट क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ से राइट क्लिक कर दीजिएगा एंड इतना हो जाने का सिंपल से फिर से टूल्स पे जाएंगे एंड टोटल कंट्रास्ट पे जाके इसको 100 कर देंगे एंड इसको भी 100 कर देंगे एंड लो टोन को भी 100 कर देंगे एंड पोर्ट्रेट को भी 100 कर देंगे। एंड यहाँ से राइट क्लिक कर लेंगे, ऊपर जो आपको एक एरो का निशान दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर लीजिएगा एंड व्यू एडिट पर क्लिक करके टोटल इस पर क्लिक कर लीजिएगा एंड बीच वाले पर क्लिक करके यहाँ एक एरो का निशान होगा इस पर क्लिक कर लीजिएगा एंड कुछ इस तरह से जूम करके आप लोग अपने फेस पर से एंड शर्ट पर से रिमूव कर लीजिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से। तो जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरह से आप लोग रिमूव कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को हल्का फास्ट कर देते हैं। ओके दोस्तों, इतना हो जाने के बाद यहाँ से राइट क्लिक कर लीजिएगा एंड यहाँ से राइट क्लिक कर लेने के बाद इतना कर लेने का सिंपल से आप लोग शेयर कर लीजिएगा अपने PicsArt मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। ओके दोस्तों, PicsArt मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आ जाने के बाद आप लोग टूल्स पे क्लिक कर लीजिएगा एंड एडजस्ट पे क्लिक करके ब्राइटनेस को हल्का बढ़ा दीजिएगा एंड इरेजर पे जा करके यहाँ से आप लोग बैकग्राउंड कर दीजिएगा, इतना कर लेने को यहाँ से राइट क्लिक करके एंड यहाँ से क्वालिटी पे आके इसको 100 कर दीजिएगा एंड इसके सिचुएशन को आप लोग इतना रख लीजिएगा एंड इस पे आकर के इसको आप लोग इतना कम कर दीजिएगा एंड शैडो पे आकर के आप लोग इसको इतना कम कर दीजिएगा एंड टेम्पल पे आके इसको इतना कम कर दीजिएगा एंड यहाँ से राइट क्लिक कर लीजिएगा। इतना कर देने के बाद सिंपल से आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, इसको यहाँ से आप लोग सेव कर लीजिएगा एंड सेव करके आप लोग क्या कीजिएगा पता है, इसको शेयर कर लीजिएगा अपने फोटो रूम के अंदर क्योंकि इसको हम ब्लर करना चाहते हैं, इसीलिए आप लोग अपना डाटा चालू कर लीजिएगा। तो मैं कर लेता हूँ, चलिए कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से लोडिंग लेगा हमारा फोटो रूम, देख सकते हैं आप लोग। कुछ इस तरह से लोडिंग ले लेने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा। आप लोग ये जो ब्लर वाला दिखाई दे रहा है आप लोग इस पर क्लिक कर लीजिएगा एंड इतना कर लेने के बाद सिंपल से आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, यहाँ से आप लोग फोटो को सेव कर लीजिएगा एंड सेव करके आप लोग इसको कहाँ शेयर कीजिएगा पता है, स्नैपशीट के अंदर। तो चलिए हम कर लेते हैं। ओके दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं स्नैपशीट के अंदर। नीचे जो आपको टूल्स दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर लीजिएगा एंड डबल एक्सप्लोरर पर क्लिक करके प्लस पे क्लिक करके
वो वाला फ़ोटो ले लीजिएगा, पहले वाला जो पिकार्ड में सेव किए थे, एंड इसको 100 कर दीजिएगा, एंड यहाँ से राइट क्लिक करके कुछ इस तरह से आप लोग ना हो जाने का सिंपल से एक एरो का निशान होगा उस पर क्लिक कर लीजिएगा, एंड व्यू एडिट पे एंड डबल स्क्वायर पे एंड बीच वाले पे क्लिक करके कुछ इस तरह से जूम करके आप लोग इसको रिमूव कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। इसको रिमूव कर लेने के बाद यहाँ से राइट क्लिक कर दीजिएगा, एंड इतना कर लेने का सिंपल से आप लोग इसको शेयर कर लीजिएगा लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए कर लेते हैं। सो ओके दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं लाइटरूम में। तो कुछ इस तरह से आप लोग लाइट पे जाइएगा एंड ब्लैक को इतना कम कर लीजिएगा, एंड यहाँ से आप लोग ब्लैक को हल्का इतना कम कर लीजिएगा। इतना कम कर लेने के बाद इसको हल्का बढ़ा दीजिएगा, एंड इसको आप लोग इतना कम कर लीजिएगा। हाईलाइट को आप लोग इतना कम कर लीजिएगा, एंड शैडो को आप लोग इतना बढ़ा दीजिएगा, एंड व्हाइट को इतना कम कर लीजिएगा। इतना कर लेने के बाद आप लोग कलर्स पे जाइएगा, एंड बीच वाले पे यहाँ पे मिक्स वाले पे जाकर कुछ इस तरह से इस पे आके इसको इतना कम कर लीजिएगा, एंड इतना कर लेने का सिंपल से आप लोग इसको इतना बढ़ा दीजिएगा, एंड इतना कर लेने का इस वाले पे आ करके इसको आप लोग इतना बढ़ा दीजिएगा, एंड इस पे आ करके इसको आप लोग 100 कर दीजिएगा, एंड इसको आप लोग कम कर लीजिएगा, एंड इसको आप लोग 100 कर लीजिएगा, एंड इसको आप लोग कम कर दीजिएगा। इतना कर लेने का सिंपल से आप लोग फर्स्ट वाले पे आकर के इसको बढ़ा दीजिएगा कुछ इस तरह से इतना, एंड इसको आप लोग इतना बढ़ा दीजिएगा। इतना कर लेने का यहाँ से डन कर देंगे, एंड इस पे इफेक्ट पे आकर के इसको इतना बढ़ा देंगे, एंड इसको इतना बढ़ा देंगे। इतना हो जाने के बाद सिंपल से हम इस फोटो को शेयर कर लेंगे, कहाँ पे पता है, फिर से हम पिकसार्ट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर शेयर करेंगे। तो चलिए कर लेते। सो ओके दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं पिकसार्ट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो नीचे जो आपको इफेक्ट दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर लीजिएगा, एंड कलराइजर वाले पे क्लिक करके कुछ इस तरह से आप लोग यहाँ पे क्लिक करके इरेजर पे जा करके कुछ इस तरह से इसको आप लोग बैकग्राउंड कर दीजिएगा, एंड इतना कर लेने का सिंपल से यहाँ से डन कर लीजिएगा। इतना हो जाने का सिंपल से हम फिर से इफेक्ट पे जाएंगे, एंड कलर वाले पे जा करके कुछ इस तरह से आप लोग यहाँ से आप लोग ये वाला चूज कर लीजिएगा। ये पीला वाला हम चूज कर लेंगे क्योंकि पीला था, देख ही रहे थे आप लोग पीला था, इसलिए हम पीला वाला चूज कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये वाला था, ये वाला हम रख लेंगे, एंड इसको 100 कर देंगे, एंड यहाँ से डन कर देंगे। इतना हो जाने के बाद सिंपल से आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, इसको आप लोग क्या कीजिएगा पता है, फिर से हम इफेक्ट पे जाएंगे, एंड कलराइजर पे वाले पे जा करके कुछ इस तरह से इरेजर पे जा करके इसको पर्सन कर देंगे, एंड इतना कर लेने का सिंपल से आप लोग अपने फेस पर इरेज कर लीजिएगा, सिर्फ शॉर्ट पर रहने देंगे। तो चलिए हम कर लेते हैं। सो ओके दोस्तों, हम लोगों ने इरेज कर लिया, इतना कर लेने का यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे, एंड इतना हो जाने के बाद सिंपल से आप लोग फिर से इफेक्ट पे जाइएगा, एंड कलर वाले पे जा करके यहाँ पे रख लेंगे, एंड आप लोग इसको पीला कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। आप लोग यहाँ से चुन के आप लोग पीला कर लीजिएगा, मेरा पीला था, कुछ इस तरह से पीला करके यहाँ से डन कर देंगे, एंड इतना कर लेने का सिंपल से आप लोग इसको सेव कर लीजिएगा, एंड सेव करके इसको शेयर कर लीजिएगा रेमनी में, रेमनी मार लीजिएगा। आप लोग को तो रेमनी मारना आता ही होगा, तो चलिए हम मार लेते हैं। सो ओके दोस्तों, हम लोगों ने रेमनी मार दिया है, देख सकते हैं आप लोग HD हम लोगों ने कर दिया है इस फोटो को। तो हम इसको अब शेयर कर लेंगे, कहाँ पे पता है, पिकसार्ट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए कर लेते हैं। सो ओके दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं पिकसार्ट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो मेरे पास 6-7 PNG है, आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ इस तरह से आप लोग यहाँ से जो ये जो आपको ऐड फोटो दिखाई दे रहा है इस पर आप लोग क्लिक करके कुछ इस तरह से ऐड कर लीजिएगा। मैं ऐड कर लिया हूँ पहले से। तो कुछ इस तरह से आप लोग इस तरह से स्क्रॉल डाउन करके एंड ब्लेंडिंग पे आ करके इसको आप लोग स्क्रीन कर लीजिएगा, एंड इतना हो जाने के बाद सिंपल से आप लोग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा यहाँ पर, एंड आप लोग इसको क्या कीजिएगा पता है, इसको यहाँ पर लगा लीजिएगा, एंड इसको आप लोग यहाँ पर लगा लीजिएगा कुछ इस तरह से। देख सकते हैं आप लोग जैसे मैं लगा रहा हूँ, इसको आप लोग यहाँ पर लगा दीजिएगा, एंड इतना हो जाने के बाद सिंपल से आप लोग इसको कहाँ लगाइएगा पता है, इसको आप लोग यहाँ पर लगाना है, क्योंकि जैसे लोड गिरता है उसी तरह से लगाना है। इसको आप लोग यहाँ पे माथे पे लगा लीजिएगा कुछ इस तरह से, जा करके इधर से आप लोग घुमा के कुछ इस तरह से, एंड इसको आप लोग कुछ इस तरह से कर लीजिएगा, एंड इतना हो जाने का सिंपल से कुछ इस तरह से बड़ा कर लेंगे, इस तरह से बड़ा कर देंगे, एंड इसको आप लोग कुछ इस तरह से एडजस्ट कीजिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप लोग इस तरह से एडजस्ट कीजिएगा, कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, एंड इतना हो जाने का इरेजर पे चले जाइएगा, एंड कुछ इस तरह से आप लोग यहाँ से इरेज कर लेंगे। देख सकते हैं आप लोग कैसे मैं कर रहा हूँ, इसी तरह से आप लोग इरेज कीजिएगा। देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरह से हम इरेज कर लेंगे, देख सकते हैं आप लोग। तो इतना हो जाने का सिंपल से यहाँ से डन कर दीजिएगा, एंड इतना हो जाने के बाद ना आप लोग क्या कीजिएगा पता है, आप लोग कुछ नहीं करना है। इतना हो जाने का सिंपल से आप लोग ये वाला जो है, आप लोग इसको आप लोग यहाँ पर एडजस्ट करके कुछ इस तरह से ये वाला जो है इसको आप लोग एडजस्ट करेंगे। हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे। देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरह से कर लेंगे, एंड इसका आप लोग को डुप्लीकेट बना लेना है यहाँ पर जा करके, एंड यहाँ से डुप्लीकेट लेयर बना के कुछ इस तरह से आप लोग इस पर जाइएगा, एंड कुछ इस तरह से इसको आप लोग घुमा के
यहाँ पे आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा इस आँख पे, देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देंगे एंड कुछ इस तरह से लगा देंगे, अच्छे से लगाएंगे हम, क्योंकि हमको अच्छे से लगाना है तभी अच्छा लगेगा देखने में। आप लोग आराम आराम से कीजिएगा, मैं थोड़ा फास्ट में किया हूँ ना इसीलिए थोड़ा गड़बड़ भी हो जाएगा, तो आप लोग टेंशन मत कीजिए, मैं थोड़ा फास्ट में किया हूँ। देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरह से हम एडजस्ट इसको करेंगे एंड इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इतना रख लेंगे एंड इतना हो जाने के बाद ना सिंपल से आप लोग यहाँ से डन कर दीजिएगा एंड इतना कर लेने का सिंपल से आप लोग देख सकते हैं हमारा फोटो हो चुका है एंड इसको हम शेयर कर लेंगे अपने ऑटोडेस्क मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए कर लेते हैं। सो ओके दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने ऑटोडेस्क मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, तो आप लोग इस पर क्लिक कर लीजिएगा एंड इतना कर लेने का सिंपल से आप लोग कुछ इस तरह से स्क्रॉल डाउन करके ये वाला ब्रश ले लीजिएगा एंड इसका आप लोग साइज देख लीजिए एंड सेटिंग देख लीजिए, कुछ इस तरह से आप लोग रख लीजिएगा एंड कुछ इस तरह से जूम करके अगर आप लोग अच्छे से फेस स्मूथ करेंगे ना तो एक नंबर आप लोग का स्मूथ होगा, 1% भी आप लोग के फेस पे ब्लैक नहीं आएगा और काफ़ी ओरिजिनल तरीका से स्मूथ होगा आप लोग का फेस। बस आप लोग इतना बढ़ा लीजिएगा और अच्छे से आप लोग फेस स्मूथ कीजिएगा कुछ इस तरह से, देख सकते हैं आप लोग इसी तरह से अगर आप लोग फेस स्मूथ कीजिएगा ना तो 1 नंबर होगा और आप लोग के फेस पे 1% भी ब्लैक नहीं आएगा। देख सकते हैं आप लोग जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से आप लोग कीजिएगा, देख सकते हैं आप लोग इस तरह से अगर आप लोग फेस स्मूथ करते हैं ना तो 1% भी आपके फेस ब्लैक नहीं आएगा और काफ़ी मस्त तरीका से एडिटिंग होगा। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताने वाला हूँ स्मूथ करना, मैं हर एक वीडियो में बतला दिया हूँ स्मूथ करना, आप लोग जा करके वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं आता है स्मूथ करना, तो अगर आता होगा तो आप लोग कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। मैं ब्रश तो बतला ही दिया हूँ, अगर आप लोग इस तरह से स्मूथ करेंगे ना तो 1% भी ब्लैक नहीं आएगा। अगर नहीं आता है तो आप लोग मेरा वीडियो जा करके देख लीजिए, वहाँ से आप लोग स्मूथ कर देंगे, क्योंकि मैं अगर बतला दूँ स्मूथ करना तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है इसीलिए मैं नहीं इस वीडियो में बताया हूँ। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को दबा कर नोटिफिकेशन को अलाउ कर दीजिएगा ताकि ऐसा वीडियो मैं लेकर के आता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।